भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में शुक्रवार को DRS प्रणाली का एक बार फिर उस समय विवाद शुरू हो गया जब तीसरे ओवर में डैरेन मिशेल को LBW आउट दे दिया गया। इससे खेल भावना पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। न्यूजीलैंड के मिशेल का यह डेब्यू मैच था। क्रुणाल की गेंद पर विवादास्पद तरीके से वह अंपायर के गलत फैसले का शिकार हुए, जबकि हॉटस्पॉट से जाहिर था कि गेंद बल्ले से लगकर पैड से टकराई है। मैदानी अंपायर ने पहले उसे LBW आउट दिया था, जिसके बाद उसने कप्तान केन विलियमसन के कहने पर DRS लिया। TV अंपायर शॉन हैग ने उसे आउट दिया जबकि गेंद बल्ले से लग कर गई थी। टेलीविज़न स्क्रीन पर यह साफ दिख रहा था कि गेंद ने बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई थी। हॉटस्पॉट ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन तीसरे अंपायर हैग ने उन्हें आउट दे दिया। उस समय कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स ने कहा यह बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में विलियमसन और अंपायर से बात की। मैदानी अंपायर ने हालांकि नियमों का पालन किया और मिशेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। मिशेल आउट होने से तभी बच सकते थे जब रोहित उन्हें वापस बुला लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कीवी टीम ने विवादित फैसले को सहजता से स्वीकार कर यह जता दिया कि उन्हें अक्सर ICC की ओर से खेल भावना का पुरस्कार क्यों दिया जाता है।